खबर है लखनऊ से, जहां केजीएमयू में 6 सितंबर को खड़ा हो सकता है इलाज पर संकट। केजीएमयू में शिक्षक और कर्मचारी दोनों आंदोलनरत हैं। सातवें वेतनमान के हिसाब से संशोधित पैमेट्रिक्स की मांग पर आंदोलन है। शिक्षकों से पहले केजीएमयू कर्मचारियों ने ओपीडी ठप करने की चेतावनी दी है। 5 सितंबर तक काला फीता बांधने का तय किया गया है शिक्षकों ने। वहीं 6 सितंबर को आम सभा की बैठक बुलाकर ओपीडी बंद करने का निर्णय होगा। तो कर्मचारियों ने 6 सितंबर को आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी है और मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन और घेराव की घोषणा भी की है। और संवाददाता अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, केजीएमयू में बड़ा संकट हो सकता है इलाज को लेकर, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी और शिक्षक दोनों ही प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस पर रणनीति बनाई जाएगी, बैठक भी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले भी डॉक्टरों ने एक बैठक की थी और साफ तौर पर कहा था कि अगर उनको सातवें वेतन का मान अगर नहीं दिया जाता है तो वो 5 सितंबर से अपनी जो ओपीडी है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे और सरकार अभी तक उनकी कोई मांग नहीं मानी है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर वाकई में 6 सितंबर से अगर इलाज करना बंद कर देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के लिए और साथ में जो तीमारदार है, बीमार है, उनके लिए बड़ी संकट हो सकती है, क्योंकि दूर दराज से लोग इलाज कराने के लिए केजीएमयू जाते हैं। और ऐसे में अगर डॉक्टर अपना ओपीडी का काम बंद कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन अगर इनकी मांग को नहीं मानता तो वो 6 सितंबर को काला फीता बांधकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो उनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द मांगे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही है केजीएमयू के डॉक्टरों के द्वारा। तो ऐसे में अगर ये धरना प्रदर्शन पर जाते, क्योंकि एक उन्होंने पहले ही औपचारिक घोषणा कर दिया था कि अगर 5 सितंबर तक उनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो वो पूरी तरीके से काम को ठप कर देंगे। तो अगर ये ऐसा होता है, अगर मांग नहीं मानी जाती तो कहीं ना कहीं बड़ा एक जो स्वास्थ्य में संकट है वो आ सकता है, क्योंकि दूर दराज से लोग इलाज करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा संकट हम कह सकते हैं, लोगों को भी खासी परेशानी होंगी। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।